Disha the public school ke honor principal. Please thank you so much. Thank you to be here. So please आप ऐसे नहीं जा सकती क्योंकि आपको थोड़ा inspiration तो देना पड़ेगा. वैसे बहुत सुन चुके हैं पर थोड़ा और क्योंकि अच्छी personalities के बारे में सुनना हर कोई पसंद करता है. So please sir, speak up sir. Thank you so much. सबसे पहले तो आप सभी को बहुत बहुत बधाई इतने अच्छे इवेंट का हिस्सा बनने के लिए. अनूप सर को मैं बहुत पहले से जानता हूँ, जिस तरीके से ये मेहनत करते हैं, जिस तरीके से सारी चीज़ों को प्लान करते हैं, यदि आप अनूप सर के साथ जुड़े ही रहेंगे और एक एक चीज़ों को डिस्कस करते रहेंगे तो मुझे लगता है कि शायद बहुत जल्दी आप लोग ग्रो कर पाएंगे. अच्छा एक बात बताइए कि आप लोग में से कितने लोग ऐसे हैं जो सक्सेस पाना चाहते हैं? लगभग सर. अच्छा उस समय मतलब अच्छा, तो पा चुके इसलिए नहीं पाना. अच्छा कितने, अच्छा सक्सेस कितने परसेंट पाना चाहते हैं? हाथ उठाओ. 100% कौन कौन पाना चाहता है? जो 50% उनके आधे, जो 100% एकदम ऊपर प्लीज. जिसने जिसने हाथ नहीं उठाया इसका मतलब 100% नहीं चाहता. अच्छा जिसने हाथ उठाया एक बार अपने हाथ की तरफ देखो जरा, कितना उठाए. जीवन में भी हम यही करते हैं कि हम चाहते तो 100% हैं लेकिन 100% देते नहीं हैं. और सफलता का एक ही मंत्र है कि हम अपना 100% दें. एक छोटी सी स्टोरी सुनाना चाहूंगा. एक बार एक राजा ने अपने मंत्रियों से ये कहा कि मेरी जो आने वाली पीढ़ी है उसके लिए मैं चाहता हूं कि कुछ ऐसा मटेरियल तैयार हो कि उन्हें बहुत ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े, वो उसको पढ़ें और समझ जाए कि सफलता कैसे प्राप्त होती है. तो उन लोगों ने कंटेंट तैयार किया और इतनी मोटी बुक नीचे से लेकर ऊपर तक इतनी मोटी बुक तैयार हुई, राजा के पास रखी गई. तो राजा ने कहा कि इसे तो पढ़ने में सारी उम्र निकल जाएगी, इस कंटेंट को और कम करो, थोड़ा कम छोटा कर दो. तो सारे मंत्री गए वापस तैयारी की, इतनी मोटी बुक बना करके लेकर के आए. राजा ने कहा कि ये भी बहुत बड़ी है, मैं इतनी बड़ी भी नहीं चाहता, और छोटी करके लेकर के आओ. मंत्री गए, इतनी पतली किताब लेकर के आए. राजा ने कहा नहीं मैं इससे भी सेटिस्फाइड नहीं हूं, मैं और भी कम कंटेंट चाहता हूं. सारे मंत्री गए, बहुत मेहनत की, एक पेज में तैयार करके लेके आए. राजा ने कहा कि नहीं मैं इससे भी सेटिस्फाइड नहीं हूं, मुझे और कम चाहिए. तो वो एक लाइन में लेकर के आए और वो एक लाइन ये थी कि इस दुनिया में बिना मेहनत के कभी कुछ नहीं मिलता. आई नो कि आप सभी लोग मेहनत अपने अपने क्षेत्र में कर रहे हैं और बहुत अच्छी कर रहे हैं. जब मैं ये बात बोल रहा होगा तो कई लोगों के दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि मेहनत तो हम करते हैं, लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखने वाली है कि हम मेहनत भी अपने कंफर्ट जोन में रह करके करते हैं. अपने आप को टटोलिएगा अगर कि हम मेहनत भी अपने कंफर्ट जोन में रह करके करते हैं, उस कंफर्ट जोन से बाहर निकलना नहीं चाहते. क्या होता है जैसे 31 दिसंबर आता है तो हम लोग क्या करते हैं, एक संकल्प लेते हैं और उसमें से आप में से बैठे हुए आधे से ज्यादा लोग इस बात का संकल्प लेते हैं कि कल सुबह से उठ करके वॉक शुरू करूंगा. ठीक, अगले दिन सुबह हम उठते हैं, अलार्म लगा करके सोते हैं, सुबह उठते हैं, ठंड का समय होता है, हमारा जो कंफर्ट जोन होता है उस कंफर्ट जोन के अंदर लाइट चलने लगती है, वो बार वो रजाई जो होती है वो आपको अट्रैक्ट करती है. रजाई चीख चीख करके बोलती है कहाँ जा रहा है, कौन सी दुनिया अभी खत्म हो रही है, कल से चले जाना, छोड़ दें. और हम क्या करते हैं, वापस रजाई होते हैं और सो जाते हैं. अपने संकल्प के साथ जब हम आगे बढ़ें तो इस बात को याद रखिए कि आपका कंफर्ट जोन आपको बार बार वापस खींचेगा, हमें वापस नहीं जाना. जैसे ही कंफर्ट जोन से बाहर निकलेंगे तो आपका जोन थोड़ा सा बड़ा होगा और आप पहुंच जाएंगे फियर जोन में. थोड़ा डर लगेगा, सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी, कहीं ऐसा तो नहीं कि लोग हमारे ऊपर हंसे, कल को सफलता नहीं मिली तो लोग कहेंगे कि लोग खूब जोर शोर से चालू किया था, हो गया ना बंद. यदि उस फियर जोन को आपने क्रॉस कर लिया तो उसके बाद आपका जोन थोड़ा सा और बड़ा होगा और आप पहुंचेंगे लर्निंग जोन में. आप सब लोग ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि हम लोग कितना भी सीखे हुए हों लेकिन अभी भी सीखने के लिए बहुत कुछ है और हम सीख सीख करके ही आगे बढ़ेंगे, मैं भी, अनूप जी भी और हम सब. जैसे ही उस लर्निंग जोन से हम आगे बढ़ते हैं तो हमारा जोन और बड़ा होता है
और वो होता है ग्रोथ जोन, जब हम ग्रोथ करना स्टार्ट करते हैं। और जैसे ही आप ग्रोथ करना स्टार्ट करते हैं, आपका जोन बहुत बड़ा हो चुका होता है, उसके बाद फिर एक जोन आता है, और पता है वो कौन सा जोन होता है? अगेन कंफर्ट जोन। लेकिन पहले आपका कंफर्ट जोन इतना था, बाद में आपका कंफर्ट जोन इतना बड़ा हो गया। तो हम ये चाहते हैं कि आप उस छोटे से कंफर्ट जोन से उस बड़े सारे कंफर्ट जोन में पहुंच जाएं। एक लाइन के साथ खत्म करना चाहूंगा कि जीतने वाले कोई अलग काम नहीं करते, वो हर काम को अलग ढंग से करते हैं। बस अपने काम करने का तरीका बदलिए। थैंक यू सो मच। Great personality of Dinesh Khandelwal sir, thank you so much. Now I just request to a ma'am or the dignity or the person ki jinki wajah se aaj hum apne is concluding part tak aaye hain, aaj yahan unse hi hum ye sab cheeze sunke aur seekh ke jaane wale hain jinhone apna 100% effort yahan par dikhaya hai. Shayad un logon ke bina hum adhure the aur agar wo hamara saath nahi dete to hum kuch bhi nahi hote, है ना? So for the great mementos on this trainers ma'am also, so please Beena ma'am come on the stage and collect the mementos.